हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं सरलीकरण। इससे पहले भी एक वीडियो हम दिए थे जिसमें हम आपको कैलकुलेशन करना सिखाए थे। आज हम उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ में हम आपको सूत्र भी रखने दिए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। और आज जो हम बनाएंगे उससे हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ आप देखिए, बेसिक मैथ में हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो बेसिक मैथ में आप यहाँ ध्यान से देखिए कि 999 का स्क्वायर है माइनस 998 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट बताते हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग कट चलते हैं। तो शॉर्टकट में क्या है कि 9 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 81 आएगा। इकाई अंक लीजिए तो 1 आएगा। यहाँ 8 का स्क्वायर कितना आएगा, तो आपका 64 आएगा, तो यानी 4 लीजिए तो 64। अब यहाँ देखिए तो 1 में 4 घटाइएगा, यानी यहाँ मान लीजिए 11 में 4 घटाइएगा तो 7। जिसके अंत में 7 रहेगा वो आंसर हो गया, यानी आपका सी नंबर आपका क्या हो गया बाबू, तो आंसर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, सी नंबर आंसर हो गया। तो सी नंबर हम आंसर कैसे लाएँ, तो इकाई अंक से लाएँ। और इकाई अंक से कैसे लाएँ, तो यहाँ ध्यान से देखो, तो 9 है तो 9 के यहाँ इकाई अंक लिए, तो 9 × 81 आया, तो इसको हम 1 लिए। और यहाँ 68 तो इसको 4 लिए। तो यहाँ जो इकाई अंक है इससे छोटा है, जिससे हम पैचा ले लिए, तो यहाँ क्या हो गया, 11 हो गया। 11 में 4 जगह 7। तो ये शॉर्टकट रूल है कि आप सेकेंडों में बना सकते हैं। अब हम लोग लॉन्ग कट चलते हैं यहाँ। तो लॉन्ग कट क्या चलेंगे, यहाँ ध्यान से आप देखिएगा। तो लॉन्ग कट हम लोग चलेंगे जिसमें से हम लोग यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। तो ये क्या करेंगे इस समय कि एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। तो एक बार प्लस करेंगे तो 9 हो गया, प्लस 998 हो गया 998। और एक बार माइनस कर दो तो 999 माइनस 998 हो गया 998 हो गया। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, और ध्यान से क्या देखना है, तो ध्यान से यहाँ देखना है कि 999 प्लस 998 क्या होगा। तो यहाँ देखिए तो 9 × 8 = 17 के साथ हो गया, हाथ में एक हो गया, 9 × 9 = 18 + 1 = 19 हाथ में एक हो गया, 9 × 18 = 1 = 1997 हो गया। इधर घटाइए अगर कितना का फर्क है, तो आपका 1 का फर्क है। कितना का फर्क है बाबू, तो 1 के फर्क है। 999 माइनस 998 घटाएंगे तो 1 के फर्क है। तो हम यहाँ क्या लाएँ कि यहाँ इसको हम जोड़े तो आया 1997, और उसको घटाए तो 1 आया। अब दोनों में गुना करेंगे तो 1997 ही आएगा आंसर। तो आपका सीधा पूर्वक 1997 आ गया। कैसे किए, क्योंकि यहाँ ए दो बार दिया हुआ था। अब यहाँ देख सकते हैं, दो बार दिया हुआ था, इसको मान लिए ए स्क्वायर और दूसरे को मान लिए हम बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम लोग यहाँ मान लिए है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम लोग दोनों मान लिए। और यहाँ जो सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी सूत्र के हम लोग प्रयोग कर दिए, और इसी कारण हम बोलते हैं कि आप लोग को सूत्र रटने का ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। और जो अगला नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो अगला नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो है 9वां नंबर। और 9वां नंबर भी उसी प्रकार है, हम लोग शॉर्टकट भी चल सकते हैं या लॉन्ग कट भी तरीका से हम लोग बना सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल है 9वां नंबर। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम दो तरीके चलते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या वैसे हम लोग नहीं चलते। तो यहाँ शॉर्टकट में क्या चलेंगे, यहाँ देखिए तो 217, यहाँ आप देखिए 217 के होल स्क्वायर, 217 के होल स्क्वायर प्लस 183 के होल स्क्वायर, 183 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 17 के होल स्क्वायर, 200 प्लस 17 के होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा जो सूत्र आ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसका भी सूत्र हम आप सभी को लिखवा दिए थे। और वो सूत्र हम लिखाए थे, यहाँ भी हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो जो हम सूत्र लिखवाए थे, आप ध्यान से देखिएगा, तो हम सूत्र क्या लिखाए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ इसका जो सूत्र हो जाएगा वो जो टू हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ करते हैं, तो यहाँ 2 हो गया, इसका जो सूत्र होगा यहाँ हम देखते हैं, तो जो सूत्र होगा इसका, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान देखिए, देखिए ए माने 200 और बी माने 17 को। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ करते हैं तो 2
ए स्क्वायर के मतलब हुआ तो 200 को हम स्क्वायर करेंगे यानी 200 को हम लोग स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर यानी आपका 17 को हम लोग स्क्वायर करेंगे और जोड़ के 2 से गुना कर देंगे। तब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कितना आएगा 200 का आया आपका 2 × 2 = 4 और 4 × 0 हो गया, यहाँ 4 × 0 हो गया, 17 का आ गया 289 हो गया। हल्का सा हम लोग इसको छोटा करते हैं, ये छोटा हल्का सा हम लोग कर देते हैं, ठीक है यहाँ कर दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए 289, अब हम गुना ये जोड़ेंगे यहाँ तो हो जाएगा आपका 40, 289 के गुना कर देना है 2 से। तो यहाँ देखिए पहला बात कि 9 × 2 = 18 सभी के अंत में 8 है यानी गुना कर देते हैं 9 × 2 = 18 हाथ में 1 हो गया, आपका 8 × 2 = 16 1 × 17 हाथ में 1 हो गया, 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 5 हो गया, 0 × 0 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, यानी 80578 आ गया आपका आंसर यानी बी नंबर आंसर आ गया। क्या आ गया बाबू? तो बी नंबर आंसर आ गया। कितना सिंपल तरीका से हम बताएं। चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, यानी आपको दसवां नंबर में हम आपको बताते हैं। दसवां नंबर भी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, तो दसवां नंबर क्वेश्चन भी सिंपल ही है और ज़्यादा ये नहीं है, सिंपल है जिस प्रकार अभी हम बनाएं उसी प्रकार ये भी है। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब डायरेक्ट मान सकते हैं 92 है यानी ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर यहाँ मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। यहाँ हम 18 लिख देते हैं, 18 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जो हम बनाएंगे यहाँ ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देना एक बार घटा देना है, सिंपल है। तो यहाँ हम लोग सूत्र जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है कि ए प्लस बी है ना, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ तो ये हम मान लिए 92 और बी मान लिए 18 को, तो 92 प्लस 18 हो गया और इधर हो गया आपका 92 - 18 हो गया। यहाँ जोड़ेंगे हम तो 8 × 2 = 0 हाथ में 1 × 9 = 10 = 11 यानी 110 हो गया, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 12 में 8 गया तो आपका आ गया 4 आ गया, यहाँ बच गया 8 में से 1 गया तो आपका 7 हो गया, 8 में से 1 गया तो आपका 7 हो गया। तो यहाँ 110 × 74 तो हो जाएगा आपका, यहाँ गुना करेंगे तो 4 × 7 = 11 हाथ में 1 × 7 = 8 814 यानी 8140 आपका आ जाएगा, यानी ए नंबर आंसर आ गया। क्या आ गया बाबू? तो ए नंबर आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में, और 11 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से गुना भाग से है और उसको भी बनाते हैं हम लोग, और बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ क्या है, 3 बार दिया हुआ है ए इंटू ए यानी इसको ए मान लेते हैं, तो ए इंटू ए हो गया यानी इसको हम लोग लिखेंगे कि ए स्क्वायर ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ देखिए कि यहाँ दिया हुआ है 2 × a और b, यहाँ देखिए कि यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 2ab लिख दिए, फिर प्लस दिया है bb यानी तो इसको मान लिए हम लोग बी स्क्वायर यानी ये 202.43 को हम लोग मान लिए थे a और 7.57 को हम लोग मान लिए थे आपका b, मान लिए थे इसको b माने थे और इसको हम लोग a माने थे। ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab हो गया, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। इसका बराबर जो सूत्र होता है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। अब ये ख्याल कीजिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर हुआ तो कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है a + b का। तो ये हम कितना माने थे 2.43 प्लस b माने थे कितना 7.57 है ना, इन लोग का होल स्क्वायर करना है। अब जोड़ोगे 7 × 3 = 0 हाथ में 1 हो गया, 9 × 10 = 0 हाथ में 1 हो गया, 7 × 2 = 1 = 10 = 0 ये 10 हो गया डायरेक्ट। तो कितना इसका स्क्वायर करना है, तो 10 के हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बाबू, तो 100 आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अब देखिए तो बी नंबर आ गया आपका आंसर यानी 100 नंबर आ गया आंसर। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में, और 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि पर डे हम आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे जो बेसिक मैथ हम पढ़ाएंगे, जिनके लिए बेसिक मैथ कमज़ोर होगा उन लोग के लिए है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो हम अभी आपको अभी हम 12 नंबर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन
उतना हार्ड नहीं है और ये सिंपल क्वेश्चन है जिस प्रकार अभी हम करवाएं कि यहाँ देखिए 186 का हम लोग ए मान लिए, ये दोनों का हम लोग यहाँ अब देख सकते हैं, यहाँ इसको हम ए मान लिए, ए मान लिए तो हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। यानी कहने का मतलब है ए स्क्वायर प्लस ये दोनों का मान लिए हम बी मान लिए, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, 2ab आ गया। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब इसका बराबर जो सूत्र होता है वो होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो लोग डायरेक्ट a माइनस बी के होल स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना है बाबू 186 माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी बी कितना माने थे तो 136 के होल स्क्वायर कर देना है। तो घटाइए 6 से मिल गया 0, 8 में 3 गया तो 5, यानी 50 आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे कितना करा बाबू तो 2500 आपका आंसर आएगा। ये कितना सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं और इसी प्रकार हम आगे बताते चले जाएंगे। चलिए फ्रेंड आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन में, और 13 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान से देखिएगा, और 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ भी ये भी सेम टू सेम उसी प्रकार है, हल्का सा खाली क्वेश्चन घुमाया है और वो आपको घबराना नहीं है। यहाँ डायरेक्ट दे दिया है ए और दे दिया है बी और बीच में लिख दिया है 2ab। यहाँ देखिए ए स्क्वायर दे दिया है और माइनस, तो यहाँ देखिए मोटा है आपका, यहाँ जो दिया हुआ है कैलकुलेशन करके दिया हुआ है आप गुना कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वही आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab ये अपने से मान लेना है, जिससे क्या होगा कि बाद में आप मिला लीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर दो बार है, यहाँ देखिए इसका सूत्र क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 6.5 और बी का मान है 3.5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 9 मेरा आंसर आ गया। कितना सिंपल है, तो 2ab के यहाँ कैलकुलेशन करके पहले से लिख दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ही गुना कीजिएगा कि आपका 2 इंटू ए का मान माने थे 6.5 इंटू माने थे 3.5, अब ये सब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 45.5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 45.5 आपका ए आ जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से आप बना सकते हैं, सिंपल तरीका ये जितना भी हम बना रहे हैं सब सूत्र से आधारित है और पहले भी हम सूत्र लिखा दिए थे और अभी भी लास्ट का जो वीडियो रहेगा उस सेशन में हम आपको सूत्र लिखा देंगे। चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, और अगला नंबर जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपका ए स्क्वायर, यहाँ देखिए हल्का बड़ा कर रहे थे, क्वेश्चन दिखेगा आपको बढ़िया से, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो दिया हुआ है ए स्क्वायर, है ना, यहाँ ए स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो बढ़ा देते हैं तो हम यहाँ बैठा देते हैं, तो 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुने x हो गया। अब यहाँ ख्याल कीजिए कि यहाँ इसको घटा के यहाँ 20 से भागा देना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ देखिए यहाँ सूत्र हो तो हम बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार के होता है, तो ये इस प्रकार के यहाँ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो एक बार 64 प्लस 36 कर दिए, एक बार हम माइनस कर देंगे 64 माइनस 36 हो गया, और ये गुना है इधर हम भागा के लेंगे 20 कर देंगे बराबर x हो गया बाबू। अब यहाँ घटा के लिखो तो 64 और 36 कितना हो गया बाबू तो 100 हो गया, गुने 64 यानी 14 में 6 गया तो आपका 8 आ गया। अब यहाँ बच गया कितना 5 में 3 गया 2 28 बट्टा 20 हो गया, 20 25 से कर दो यानी 100 28 के 5 से गुना कर दो बाबू तो 8 25 40 के 0 हाथ में 4 2 25 10 और 4 14 हो गया यानी 140 आ गया। कितना आ गया बाबू तो 140 आ गया। देखिए जो क्वेश्चन हम अभी आपको बना रहे हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं। चलिए हम आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, और अगला नंबर क्वेश्चन जो है मेरा वो है आपका 15 नंबर, आप देखिएगा ध्यान से, तो 15 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ हम देखते हैं आगे, सबसे पहले हम लोग छोटा रुक करते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। बहुत सिंपल तरीका से हम लोग बना सकते हैं, सिर्फ सूत्र याद रखना चाहिए, सूत्र याद रहेगा तो सब हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है तो दिया हुआ सूत्र, यहाँ देखिए सूत्र कौन सा बैठेगा, यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस दिया हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर हम कहाँ बोले 2a² प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार के यहाँ सिंपल तरीका है कि ऊपर वाला जो सूत्र है उसको कहा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर कहा आया तो 2
टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गया, तो आंसर कितना आ गया बाबू, तो दो आ गया। खाली सूत्र बता दिए, ए इसको मान लिए, बी इसको मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिया, उसी पर हम लोग बैठा दिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बराबर होता है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस पर हम सूत्र बैठा दिए तो आपका दो आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन में, और अगला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो आते हैं हम लोग 16 नंबर में, और 16 नंबर भी वैसे इसी प्रकार क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 16 नंबर में यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर, देखिए ध्यान से, दिया हुआ है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस दे दिया है ए और बी, ए और बी, और यहाँ नीचे दिया हुआ है ए क्यू, ए क्यू का तीन बार है 753 753 753, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है ना। अब हम तो आप लोग को पहले हम लिखा दिए थे सूत्र कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्यू, तो यहाँ देखिए अब सिंपल तरीका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का हम चलते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये इसका हो जाएगा आपका ए प्लस बी ब्रेकेट, और यहाँ हो जाएगा आपका तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ देखिए यदि दोनों साइड यानी ये और ये मान मिल गया तो हो गया ख़त्म, यानी कितना बच गया मेरे पास, तो मेरे पास बच गया 1 और ए प्लस बी बच गया। अब जो मान है बैठा देते हैं, तो ये कितना है 1 है और ए का मान है 753 753 प्लस बी का मान मेरा है 247। एक मिनट रुकिए, हल्का सा इसको इधर कर देते हैं तो आपको समझना में ईजी होगा। हाँ चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए 753 हो गया और 247 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है 1/1000 आपका आंसर आ गया, 1/1000 आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल सा था, सिर्फ सूत्र पे आधारित है। चलिए फ्रेंड आते हैं अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में, और 17 नंबर क्वेश्चन भी नॉर्मल ही है, आपको समझने वाला चीज़ है। 17 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ आप देखिए, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, आगे इसको हम लोग छोटा करते हैं। हाँ चलिए, 17 नंबर जो क्वेश्चन है अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ आप देखिए कि इसका बराबर सूत्र होता है 4ab का होता है, तो कोई भी सूत्र रहता है यहाँ देखिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो सूत्र हो जाता है 4ab हो जाता है, क्या हो जाता है 4ab हो जाता है। सिंपल तरीका है, ऊपर में दिया हुआ है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, उसको हम लोग लिखेंगे 4ab, और नीचे का है a और b दिया हुआ, तो a और b हम लोग लिख दिए, ए बी कट गया, कितना गया वो 4 आ गया। यहाँ जैसे इसको a और b माने तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसके बाद आएगा 4ab, तो ऊपर वाला के 4ab लिख दिया, नीचे ए बी था ए बी, तो ए बी भी कट गया, यानी कितना आंसर आ गया, तो आपका 4 आंसर आ गया। देखिए फ्रेंड बहुत बढ़िया से आप बना पाइएगा और बहुत रफ्तार में आप बना पाइएगा, तो यही है मेरे यहाँ क्लास का खासियत। तो आप एक बार हल्का लगेगा अकबर कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत रफ्तार पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे आप सीखना चालू कर जाइएगा, और बहुत सिंपल तरीका है, मुंह से ही आंसर देना चालू कर जाइएगा, वो आप लोगों को समझाना रहता है, इसलिए हम इतना करते हैं। जैसे 18 नंबर है जिसका डायरेक्ट 4 आंसर हो जाएगा, तो ये प्रकार के होता है, क्वेश्चन सोचने पर होता है। अभी बताए हम कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर है ना, बराबर हो जाता है 4ab, और यही को प्लस रहता तो होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ख्याल कीजिए कि यहाँ आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ हमको इसका बराबर निकल गया, तो 4ab हम बैठा दिया, नीचे दिया हुआ है a और b, तो ए बी कट गया बाबू, तो 4 आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसी प्रकार आपको धड़ाधड़ हम क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे, और बहुत बढ़िया से क्वेश्चन करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि और भी हम आपके कमेंट जरूर कीजिएगा सर कि हाँ हल्का रहम से बताइए, हल्का धीमी बताइए, तो हम आपको धीमी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका 19 नंबर भी आपका 4 ही आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा। आपका आ जाइए 20 नंबर, तो 20 नंबर हम बता देते हैं, तो 20 नंबर वही है आपका स्क्वायर वाला प्रॉब्लम है, ए क्यू प्लस बी माइनस बी क्यू का सूत्र पर पुट होगा। सबसे पहला आप क्या कीजिए ना कि आपको सूत्र रटिए, सूत्र नहीं रटिएगा नहीं होगा। यहाँ का दिया ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है, इसके बराबर हो जाता है ए माइनस बी, और यहाँ ब्रैकेट हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए
बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है, यहाँ देखिए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और बी हो जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो इसका सूत्र तो हम बैठा दिए, ए माइनस बी और यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ नीचे दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, यानी दोनों 12 तरह का गुना करेगा तो 156 का आएगा, यानी यानी दे दिया है ए बी। अब देखिए ये आपस में कट गया, क्या बच गया ए माइनस बी, तो 13 में 12 गया एक आंसर आ गया, क्या बच गया ए माइनस बी बच गया, ए माइनस बी के बैठाएंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 12, यानी कितना गया आपको तो एक आंसर आ गया, कितना गया आपका तो एक आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी तरीका से हम आपको बता रहे हैं, और इससे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं क्योंकि इतना ही आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा है, और कोशिश करते हैं कि एक बार हम सूत्र बता देने का, उसके बाद ये क्लास हम एंड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड एक बार हम सूत्र लिखा देते हैं, और उस सूत्र को आप लोगों को फिर से याद कर लेना, बढ़िया साथ कर लेना। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये सूत्र आपको बराबर याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओकर बाद यहाँ देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, और यही बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र होगा, जिसका दो सूत्र होगा, एक होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और एक होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये सारा सूत्र आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है, उसको बढ़िया तरीका से रट जाना। चलिए अब आगे हम सूत्र बता देते हैं, एक सूत्र का हम लोग जो प्रयोग कर रहे थे वो पढ़ रहे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा फोर ए बी, है ना, ये हो गया। अब यही सवाल 11 सूत्र रहेगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो सूत्र होगा यहाँ हम बता रहे हैं, तो ए प्लस बी और ब्रैकेट चालू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको यहाँ या यहाँ बीच में लिख सकते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जाएंगे तो यहाँ होगा ए माइनस बी, बाकी सब प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसको आप लोग को नोट कर लेना है। चलिए अब हम आगे हल्का सूत्र बता देते हैं, कल भी हम सूत्र लिखाए थे, परसों भी जो वीडियो दिए थे, ये सूत्र भी हमको जान के लिखाना पड़ रहा है कि आप लोग का प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ रहेगा ए प्लस बी का होल क्यू बराबर हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस प्लस थ्री ए बी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, और यही बोलेगा a माइनस बी के होल क्यू बोलेगा, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी आपका, और यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ देखिए तो ए माइनस बी। तो चलिए फ्रेंड धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार आप रेगुलर मेरा वीडियो देखिए, और कोशिश करेंगे कि हम आपको फ्री में भी मैथ सिखाने का, हम आपको ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास दोनों प्रोवाइड करवा रहे हैं, कि आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं या आप यूट्यूब के थ्रू भी क्लास कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि और बढ़िया हम कोशिश करेंगे, जो मेरा एप्लीकेशन है एप्लीकेशन पर भी वीडियो देने का कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड धन्यवाद।